परम पिता परमात्मा सावन कृपाल के चरणों में नमस्कार है, जिन्होंने गरीब आत्मा ते रहम किया, नाम की दात बख्शी, तपदी आत्मा ने उठारिया। सानू पता ही है कि संसार दे विच अज हर पास्यों, अज की हर युग के अंदर किधरे काम की तपिश है, किधरे क्रोध की, किधरे मोलो हंकार की तपिश है। अगर इन तपशा करनी थोड़ा जा सी मन नू रोक के ख्याल करिए तो बड़े बड़े रिखी मुनि भी इस पासे रुड़ गए है। ये उन्हां दी दया है, कृपा है, जिदे उत्ते ओ करन। उस नू मैं कल भी सत्संग दस्या सी कि सतगुरु नाम दा दाता बन के आउंदा है, उहदे नाम विच शांति है, सतगुरु दी जोत तिन्ना पवना दे विच प्रकाश करदी है। वह भागां वाले जीव जो नाम दे नाल जुड़ जांदे है उहनां नू महा आनंद महा खुशी प्राप्त हो जांदी है। सो अज तुहाडे अगे स्वामी जी महाराज दा छोटा जिहा शब्द है। संत महात्मा सदा ही संसार दे विच आए है और आउंदे रहिंदे है। ना तो कोई महात्मा पहली बनी कौम किसी की तोड़न वास्ते आउंदा है, ना कोई नवी होर बनाउण वास्ते आउंदा है, ना कोई महात्मा साढ़े हाथ अंदर सोटे पकड़ के लड़न की ट्रेनिंग देने वास्ते आउंदा है। महात्मा तो सानू प्यार ना कहिंदे है कि आपो अपने समाज विच रहो, आपो अपने तुसी बोले बोलो, जो रीति रिवाज तुसी करदे हो बड़ी खुशी ना करो। संतां दा मकसद सेवक दी दुनियावी जिंदगी नाल कोई लेना देना नहीं हुंदा गा। संतां दा अगर कोई संबंध है तो वह रूहानियत दा है कि तुसी इन्हां चीज़ां दे विच रहिंदे होए, समाज विच रहिंदे होए, बाल बच्चां दे विच रहिंदे होए, ये जिम्मेवारियां पालदे होए तुसी परमात्मा दी भगती करके तुसी जिस उद्देश नूं संसार विच आए हो वह भी तुसी पूरा कर सकते हो, परमात्मा नूं मिल सकते हो। गुरु नानक देव जी कहिंदे है सतगुर पूरा भेटिए पूरी होवे जुगत, हसंदियां कलेंदियां पहनेंदियां विचे होवे मुक्त। क्या उन्हां दी जुगती उन्हां दा नाम दा जो साधन है वह सुते जागदे उठदे बैठदे अगर असी करिए साडी जवान ते उन्हां दा नाम है तो असी बड़ी आसानी नाल गृहस्थ दियां जिम्मेवारियां पूरियां करके उस घर जिथों के आत्मा साड़ी वापस आई है पहुँच सकते हैं। लेकिन साड़ी की हालत है, असी गुरु नानक ने कहा है कि बुरे कम को उठ खलोया, नाम की वेला पै पै सोया। अगर विषय बकार भोगने हैं, नींद उड़ जाती है, अखां दे नेड़े नींद नहीं आउंदी गी, शरीर च आलस नहीं आउंदा गा। अगर नाम जपना है तो अनेकां बहाने है, बैठिया नहीं जांदा। हुण तुसी सोच के देख लो ये बहानेबाजी थोड़ो है। फिर आप प्यार ना कहिंदे है कि नाम की वेला पै पै सोया, सारा दिन मजदूरी करा। असी किहदी सारा दिन बाल बच्चों की मजदूरी करते हैं, इंद्रिया की करते हैं, हर सिमरत वेला बजर सिर पड़ा है। गुरु नानक कहिंदे आ जदों भगती करनी है उदों साडे सिर उत्ते पत्थर आके टिक जांदा है, इतना भारा आलस दा कि असी उठ ही नहीं सकते गे, उस पासे सोच ही नहीं नाम वास्ते सकते गे। इस वास्ते स्वामी जी महाराज दा शब्द है, आप प्यार नाल दसदे है, गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गहे ना कट की संधा। ठंडे दिल नाल सोचना पएगा कि संसार विच बड़ी बड़ी चोटी दे महात्मा कबीर साहब, रविदास, गुरु नानक, तुलसी साहब, बहुत सारे संत महात्मा संसार विच आए है। सब सानू ये दसदे आए है, सब तो पहला तो उन्होंने कहा कि तुसी परमात्मा की तरफों सुते हुए हो, संसार की तरफों जागते हुए हो। ये भी वह महात्मा कहिंदे रहे गए है कि तुसी अन्ने हो। हुण सवाल पैदा हुंदा है कि असी कहांगे साडे अखां है, असी संसार नूं देखदे हैं। लेकिन संतां दा कहना भी गलत नहीं। महाराज सावण कहिंदे हुंदे सीगे कि सूरज
चंद्रमा सितारे बिजली ये पांच चीज़ों के सहारे आप अखा दे नाल देख सकते हैं क्योंकि अखा जड़ियाँ ये बाहरलियां हैं ये बजाते खुद रोशन नहीं। तुसी देख लो कई ऐसे मकान होंगे है जिथे आप जाके वड़िए कोई लो वगैरह ना हो तो उत्थे भी नहीं दिसदा गा। कई दफा आंधी ऐसी आ जाती है सानू राजस्थान वालों पता है कि दिने भी बिल्कुल कुछ नहीं दिसदा हुंदा गा। हुण अखां तां उस वक्त भी हुंदियां हन जदों अंधेरे मकान में जाने हैं लेकिन ये अखां कम नहीं कर दियां गया। तो इस वास्ते संत सानू दसदे है कि अखां बजाते खुद रोशन नहीं, इस वास्ते कहण लगे कि ये तुसी अखां होण दे बावजूद अन्ने हो। गुरु साहब कहिंदे है अंधे से ना आखिए जिन मुख लोण नाहे, अंधे से ही नानका जे खसमो कुथे जाहे। कहण लगे कि वो अन्ने नहीं जेडे हुक्म नाल अन्ने होए है, उन्हां दा कर्म सी ऐसा वो अंधे हो गए। असली अंधे कौन है कि परमात्मा अंदर है उहदी खोज बाहर करदे है। एक हरिजन जाति दा प्रेमी महाराज सावण सिंह दा नाम लेवा सीगा, मैं उस दीआं कई कहानियां सुनिया सीगियां कि इस नूं अंदर महाराज सावण दे दर्शन हुंदे है। एक दफा मिट्टी दी सेवा लगी, मैं उन्हां दी जाके सोटी पकड़ ली। बहुत सारे प्रेमी उन्हां दी सोटी पकड़ के आपदी टोकरी भी चकनी और संगत उहनूं भी चकाउणी। वो सेवा बहुत टोकरी दी करदा हुंदा सीगा। तो महाराज सावण सिंह आके बैठ गए, मैनू कहण लग्या कि क्यों भई देख महाराज दी कैसी पगड़ी है किन्ने सोहणे है। मैनू पता नहीं सीगा कि महाराज जी आए है। मैं उहनू कहा कि तैनू दिसदा है, वो कहिंदा उहनां दी दया नाल दिसदा है। हुण तुसीं सोच के देख लो कि बाहरों तो अंधा सी, असीं उहदी सोटी पकड़ के खुद सिर ते टोकरी उहदे भी रखदे आपदे भी रखदे सीगे, लेकिन जद उस नाल चर्चा हुंदी सीगी तो उदों पता लगदा सी कि किस तरह उसके अंदर उहदा गुरु प्रगट है। वो कहिंदा हुंदा सीगा कि पहलां भी इस नूं मैं मिलिया सीगा पर हौमै हंकार करके मैनू चूड़े दे घर पंगी दे घर जन्म मिलिया है, पर अजे भी जिहड़ा मन है ये अड़ियां करता है। इतनी सज़ा पाके भी कहण दा भाव है हुण तुसी देख लो कि अंधे से ना आखिए जिन मुख लोण ना है, अंधे से ही नानका जे खसमो कुथे जाहे। तुलसी साहब भी कहिंदे है घट में सूझत नाहीं, लाणत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को पिया मोतिया बिंद। तो महात्मा कहिंदे है जेड़े ये कहिंदे है कि परमात्मा है नहीं, क्योंकि दलील बाजी का कम नहीं। मता दिल दे विच ख्याल आवे कि असी दलीला ने ये साबित कर दईए कि रब है नहीं गा, नहीं। तो कहण लगे किसी ऐसे डॉक्टर दे पास जाके अगर वो अख बनाउण, क्योंकि जिस तरह किसी दी रोशनी चली जाती है जेड़े अख बाहरली बनाउण दे माहर है जदों आपां उहनां दे जाने हैं पास उहनां दी सहायता लैने हैं किस तरह आपां नूं फिर खोई हुई नज़र मिल जाती है। अगर ये चीज़ आपां सच कहने हैं देखते हैं तजर्बा भी सच है, लेकिन जो संत लिखते हैं उन्हां दा भी सच है कि किसी ऐसे डॉक्टर दे पास जाओ जेड़ा अंदरली अख दा सर्जन है, जेड़ा अंदरली अख नूं बना सकदा है, जेड़ा मोतिया बंद अंदर अज्ञानता दा साडे अंदर चढ़िया है उस नूं दूर कर सकदा है। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, चानण होया अज्ञान अंधेर च गवाया। साडे हिंदुस्तान दे अंदर आम रवाज है जे किसी की आई साइड कमज़ोर हो जाती है, रोशनी कम हो जाती है, असी उन्होंने सलाह कोई अंजन वगैरह पाउण दी दवाई वगैरह पाउण दी दिने हैं। तो इस वास्ते आप कहण लगे साडे वो जिहड़ा थोड़ी बहुती मैल अखां ते आई हुंदी है वह दूर हो जाती है। गुरु नानक साहब कहिंदे जो असी मालिक दे प्यारां कोले जाने हैं वह भी सानू सच रूपी सुरमा, सच तो मतलब जिहड़ा कदे नाश नहीं हुंदा फना नहीं हुंदा
वो एक परमात्मा है जिसन गुरु नानक साहब कहते हैं थाप्या ना जाए कीता ना होए आपे आप नरंजन सोए। वोनू किसी ने बनाया नहीं गा, वनू किसी ने थाप्या नहीं गा, वह सुते सिद्धी है, उन्हें निजम बनाए है, वह विधान है कि किस तरह टाइम ते मौत पैदाइश किस तरह सूरज चंद्रमा हवा किस तरह तब्दील होंदिया हन जिहड़ियां कि असी उन्हां नूं कोई चैलेंज नहीं कर सकते कि उन्हां दा विधान जिहड़ा है वह परमात्मा का वह खुद ही कम कर रहा है। इस तरह आप प्यार नाल कहिंदे है कि वह अग्ञानता का जो जन्मा जन्मात्रा का साढ़े अंदर अग्ञानता छाई हुई है तो जो असी उस सच रूपी सुरमाखा दे विच पाउने हैं तो साढ़े अंदर उस शब्द का प्रकाश नाम का प्रकाश हो जाता है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है कि गुरु कहे जगत सब अंधा कोई गहे ना कटकी संधा। मैनू आपदी जिंदगी का मैं काफ़ी तजर्बे दसदा हुंदा है कि मैनू काफ़ी खोज करन दा मौका मिलिया। बाबा बिशन दास दे चरणां दे विच जाण तों पहलां मैं हसन वदाल पंजा साहिब जो सीमा प्रांत दे विच है कई दफ़ा उत्थे शरदा दे नाल गया हैं। अमरनाथ की गुफा का दर्शन ठंडे दिल ना कीता सीगा। इस तरह होर बहुत सारे मसीतां दे अंदर भी मैं गया हैं क्योंकि मेरे दिल दे अंदर कदे भी किसी वास्ते बुरी भावना नहीं सी। बचपने तो ही मैं किसी समाज का कैदी नहीं रहा सीगा, खुले दिल ना गया हैं। मैं ये भी दसदा हुंना है कि मैं जिस किसी महात्मा के पास गया या किसी समाज में गया जिन्ना क अगले दे पास हुंदा सीगा उन्हें जरूर मेरे अगे कढ के रखिया क्योंकि मेरे दिल अंदर निम्रता सी सेवा भाव हुंदा सीगा। असी आम तौर पर की करते हैं किसी नूं एक छोटी जी खूंटी करके गढ़ के भी असी खुश नहीं कर सकते गे। फिर असी कहने जी सानू परमात्मा दिखाओ। तुसी सोच के देख लो बड़ा किसी नूं खुश करना मुश्किल हुंदा है। जे सजना तां मुर्शिद खुश करना, अगर तू खुश करना है तो फिर की करना पैंदा है सिर कतल करवाना पैंदा है पिछों प्रीतम प्यारा तां मिलदा। कतल तो संतां दा ये भाव है कि असी सिर कट के अगे नहीं रख देना गा। फैले ख्याल नूं जिन्हां ने सिमरन भजन किया तुसी उन्हां नूं पुछो कि किस तरह उन्हां ने मन दे नाल संघर्ष किया है। फैले ख्याल नूं अखां पिछे लिआउणा सिमरन दे जरिए नौ द्वारे खाली करने इस नूं कहिंदे आ सिर कतल करवाउणा। क्योंकि जिन्ना चिकर साढ़े अंदर थोड़ा जिहा भी बुरा ख्याल है कोई अपाओ है वो परमात्मा बूहा नहीं खोलता गा, असी चढ़ाई नहीं कर सकते गे। पार पहुँचा मारिए ऐसा काल कराल, जिन्ना चिकर असी तनो मनो सब तो पहला जमीन बनती शरदा ना। जिस तरह आप ज्योमेट्री का कम सीखते हैं शुरू शुरू के विच आपां नूं कुछ हद्दां मिथणियां पैंदियां हन, उस तो मगरों साडा उन्हां नाल कोई मतलब नहीं हुंदा गा। शुरू शुरू के विच सानू बाहर मुखी भरोसा बनाउणा पैंदा है, लेकिन जद असीं उन्हां दे दसे हुए रस्ते ते चलदे हैं अगे जाके कोई भी किसी किस्म का कोई शक शकूक नहीं रहिंदा गा क्योंकि अंदरला मार्ग किताब की तरह खुल जाता है। बल्कि अंदर बाहर नो भी ज़्यादा साफ देखते हैं सी। इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है कि मैं किस तरह हर जगह गया किसी की मैं दसदा हुंना कि मैं निंदा नहीं करी। ये मैं अपने आप तो शायद ये बीमारी जिहड़ी सी ना छड़ सकदा। एक दफ़ा महाराज सावण तो सुनिया सी कि किसी की निंदा करनी उस दी टटी खाण दे तुल हुंदा है। गुरु नानक ने भी यही लफ्ज कहा है पार निंदा पार मल मुख सुधी। तो महाराज कहिंदे हुंदे सीगे कि देखो बई निंदा ना फिक्की है ना मिठी है ना ये चटपटी है, किस तरह ये लोगों नूं लगी हुई है। मैं कहना हुंना कि जेड़ा निंदा करता है तुसीं समझो भी इहदे विच कुछ नहीं गा। निंदा कौन करता है बई, जेड़ा आप वड्डा होण नूं पैंदा है दूसरे नूं छोटा समझदा है। छोटा कौन समझेगा दूसरे नूं कि जिहदियां अंदर अखां नहीं खुल्लियां। जदों परमात्मा सब दे अंदर है शब्द रूप होकर हरेक दे अंदर बैठा है कि तुसीं जे निंदा करदे हो तो परमात्मा दी नहीं करदे।
बड़ी ये ठंडी सोचण दी गल है, जिहड़े असीं निंदिया करदे हैं। लम्मी सोच लो, जदों परमात्मा हर जगह है, हर एक दे विच बैठा है, दोस्त अंदर भी है, दुश्मन दे अंदर भी है। अगर तां तुसीं महात्मा कहाउंदे हो तां आपदे चेलियां नूं, आपदे सेवकां नूं इधरों वरजोंगे तद ही, जे तुसीं खुद बचे हुए हो तां। क्यों भाई, निंदा किहदी करदे हैं? गुरु साहब प्यार नाल कहिंदे आ, जद उहदे विच वी परमात्मा है, साडे विच वी उही बैठा है। जे परमात्मा ना, गुरु नाल तुहानूं प्यार है, ते फिर निंदा किवें करोगे? गुरु नानक साहब कहिंदे, दूजा होए सो अबरो कही है। जे किसी ने होर उह परमात्मा ने उहनूं बनाया होवे, फिर तां असीं कहीए। उसदा ज्ञान ध्यान सारा समाप्त हो जाता है जदों दूसरे की निंदा करता है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है कि मैं कदे भी अभाव लेके नहीं आया सीगा, बड़ा दिल दे विच ख्याल रहिंदा, क्योंकि महाराज सावन सिंह की शरण विच बैठण दा मैनूं वध तों वध मौका मिलिया। ये उन्हां दी ही दया सी, उन्हां दी कृपा सी। फिर असीं देखते रहे हैं उन्हां दा जवाना कि किस तरह गर्म ख्यालीए लोग एक धार्मिक स्थान बना के उन्हां दे बूहे अगे भी बह गए, उन्हां दे खिलाफ छाप भी दिता। लेकिन महाराज सावन तस तो मस नहीं होए गए, बल्कि वह कहिंदे हुंदे सी कि बई संतां दी जित चुप करके हुंदी है। फिर वह कहिंदे हुंदे, होछा आदमी आपदी सफाई पेश करता है, सियाणा वक्त दी उड़ीक विच हुंदा है, क्योंकि वक्त अपने आप ही दस दिंदा है। हाँ भाई, गुरु और नाम भक्ति शब्द 13वां बचन 19वां सार बचन पन्ना 149। गौर कहें जागत सब अंधा, कोई गहे ना काट की संधा, बाहर मुख पर में सारे अंतर मुख शब्द ना तारे। हुण परमात्मा अंदर है, तुसी देख लो, जे रिखियां मुनियां नूं पहलां पता लग जांदा कि परमात्मा अंदर है, नेत्र खुले हुंदे, उह क्यों बाहर भटकदे फिरदे? महाराज सावण कहिंदे हुंदे कि मैं 22 साल खोजिया। क्यों भाई, सोचो कोई एक अद्धा साल नहीं गा, वह क्यों खोज कीती? कि अजे अंदरली अख बनाउण वाला वह बाबा जैमल सिंह उहनां नूं नहीं मिलिया सीगा। जिदे वह मिल गया, उहदे खोज जिहड़ी सी वह खत्म हो गई, क्योंकि जद जीव शरण गुरु दी आए, करम धर्म सब भरम नसावै, जो मारे गुरु देव बताई सोई कर्म धर्म हुआ पाई। जो कुछ असी पहला करते हैं उसनों ठप के रख दीजिए। जो रस्ता गुरु सुरत शब्द अभ्यास दसदा है वो कमाई करो। जे फिर भी असी दो घोड़ियां ते चढ़ते हैं, दो घोड़ियां वाला कदे मंजिल ते नहीं पहुँचता गा। इस तरह महाराज कृपाल दिया भाई श्री पढ़ते हैं, वो किस तरह दिन रात यही पकार करते सीगे, किसी अधूरे गुरु दे नाल मेरा वास्ता ना पै जावे, कोई पूरा गुरु मिल जावे। कि जिते उन्होंने उन्होंने सतगुरु प्यारे मिल गए, महाराज सावण सिंह, उस तो बाद तो उन्होंने उन्होंने ही हो गए। इस तरह मैं ठंडे जल दे विच भी बैठा नाता, सवा महीना मैं ये भी कोर्स किया, धूणियां भी तपाइया। जिदे वो परमात्मा ने मेहर की, बेशक दो ही शब्द का भेद पहला मैनू बाबा बिशनदास तो मिलिया सीगा, ये बाहरला रीति रिवाज तो उदों ही छड्डदे सीगे, क्योंकि ब्रह्म तक दा जो तुहानू भेद मिल जाए, सिर्फ भेद लै लेना ही काफ़ी नहीं हुंदा गा, तो प्यारे वो प्रैक्टिकल भी करना हुंदा है। इस वास्ते आप प्यार नाल सानू दसदे है, अज जे मैनू कोई कहे
कि भी तू अग्नि विच बैठ, शायद जो ना मिलते तो मैं इस नूं कोई बुरा नहीं गिणिया सी, मैं शौक ना कीता है। फिर मैं दसदा हुंदा कि मैं कोई लोकां दीआं पाथियां टोकरा टोकरा इकट्ठा करके जिवें आम साधू करदे, इस तरह नहीं सीगा, क्योंकि मालक ने सब कुछ दिता होया सीगा। आप दीआं मुल दीआं पाथियां दे नाल मैं धूणियां तपाईआं हन। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे है कि देखो भई असीं क्यों बाहर उदों चिर ही बाहर फिरदे हैं। जे आप किसी लड़की नूं कहीए कि बेटी तेरी शादी कर देंगे, तू भैणा भरावां दे विचों अपने ख्याल नूं कढ लै, सखियां सहेलियां चों ख्याल नूं कढ लै, वो सारी जिंदगी लगी रहे, वो कामयाब नहीं हो सकती। कि जदों आपां उस लड़की की शादी कर दिंदे हैं, उसका जिहड़ा मन है वह पति दे नाल लग जाता है। फिर जिहड़े गुड़ियां पटोले जां सखियां सहेलियां बनाईयां हुंदियां हन, उहनां दे नाल अपने आप ही ख्याल टुट जाता है। इस तरह असीं कर्म कांड नूं, रीति रिवाज नूं उहनां चिर ही तरजीह दिंदे हैं बाहर भरमण दी, जिन्ना चिर साडा ख्याल उह शब्द दे नाल, नाम दे नाल नहीं जुड़दा गा। बुल्ले शाह अच्छा पढ़िया लिखिया सीगा, जद अनैत शाह दे पास गया, वो कहण लग्या देखो जी मैं मसीत दा मौलवी हैं, मैनू उत्थे जाना पएगा, क्योंकि संत ये ला नहीं लाउंदे हुंदे कि तू छड्डे तो मैं तैनू तां रस्ता दिंदा है। मेरे पास भी कई ऐसे साधु आए हैं, साडे गुरद्वारे दे ग्रंथी भी कई आके नाम ले गए है, पादरी भी बहुत सारे साडे सेवक है, उन्हां ते ये नहीं ला लाया जांदा गए भी तुसीं पादरी पुणा छड दिओ या ग्रंथी पुणा छड दिओ या ये कपड़े तुसीं जिहड़े पाए है इन्हां नूं ला दिओ। असीं कहने नहीं, समा अच्छे तरीके नाल करो तुसीं, लेकिन साडा जाति तजर्बा है जब सुरत अंदर जाके लगेगी वो गुड़ियां पटोलियां नूं कौन सामदा है। तो एक दिन अनायत शाह ने पूछया, क्यों भाई तू गया वसीते, कोई नमाज पढ़ी? वो कहिंदा नमाज पढ़ा के तैं वल देखा, मैनू कावा भुल गया ई, क्योंकि प्रेमी का जिहड़ा ध्यान है वह गुरु की तरफ हो जाता है, वो अखां अगे मन मोड़ी जिहड़ी सूरत है वह छा जाती है, समा जाती है। इस तरह कि जिस तरह तेल की तार है, हुण वो किहड़े पासे देखेगा? ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹੇ ਭੀਖਣ ਦੋ ਨੈਣ ਸੰਤੋਖੇ, ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈਂ ਸੋਈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿੱਥੋਂ ਝਾਕੋਗੇ ਬਈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਾਵਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਔਰ ਅਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਭਰਮੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਭਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਖੋਜਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਟਾਂ ਹਨ, ਪੱਥਰ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੈਬਾਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਖੋਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਗੇ, ਉਤਨਾ ਚਿਕਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ, 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁਨ ਜੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜੀ ਅਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
क्योंकि जान सारयां नूं प्यारी हुंदी है। स्वामी जी कहिंदे अपने जीव की दया पालो, 84 का फेर बचालो। तो बाहर मुख परमे सारे, अंतर मुख शब्द न तारे। जी बाहर मुख परमे सारे, अंतर मुख शब्द न तारे, मन जगत भोग रस बंधा, नित करे कर्म बस तंदा। साड़ी की हालत हुंदी है कि असी दिल कमजोर फसे विच दुनिया रीस आशकां कर दे, गली पालन मजा प्यार दा ते पैर पिछा नूं तर दे। हुण असी गल्लां दे नाल तां इस पासे करदे हैं, हुण ये करनी दा मजबून है, मेहनत दा मजबून हुंदा है। इस वास्ते मन जगत भोग रस जिहड़ा साडा मन है, सानू पता है महाराज सावन दे पास किसी लड़की ने सवाल किया, क्योंकि महाराज जी जो आपकी कोठी चो बाहर निकलते सीगे, जिन्हां लोगों ने नज़ारा देखा है उन्होंने पता है कि वो छोटे जे बच्चे कोले भी खड़ जाते सीगे, होर कोले भी हाँ भाई किवें आया है, बिरध कोले खड़ जाते सी, पुछ लेंदे सीगे क्यों भाई वो सत्संग ते नहीं आया। तो कहण दा भाव वो एक लड़की कहण लगी कि जी मेरा मन जड़ा है वो मैनू परेशान करता है। महाराज कहण लगे भजन कर दी हैं अगे जी, बैठिया नहीं जाता, गिट्टे गोडे दुखते हैं, फिर वो आते फिर मन आपका कम करे ना भी, मन ने तो फिर हूँ आपका कम करना ही है। मन तो एक कम है, तुम कोई करा लो, सिमरन करा लो। इस वास्ते आप कहते मन जड़ा है साडा ये भोगां दे विच मस्त रहिंदा है, मान विडेज मस्त रहिंदा है, ये चीज़ां जिथे मिलदियां हन उत्थे मस्त रहिंदा है, क्योंकि मन दे नाल संघर्ष करना ही भजन है। तुलसी साहब कहिंदे है कि तुलसी रण में जूझना कड़ी एक का काम, नित उठ मन से जूझना ते बिन खंडे संग्राम। रण दे विच एक दो मिनट दा ही है, या मर गया या मारता, लेकिन ये बगैर खंडे तो जिंदगी भर का संग्राम है। सच तो यह है कि जेडे अंदर जाते हैं उन्होंने पता है कि सतगुरु भी सानू शब्द धुंदे नाल लैस करता है, जेडे भजन करते उन्होंने पता है कि किस तरह गुरु तीसरे तिल ते सेवक की मदद वास्ते तैयार है। गुरु नानक साहब कहिंदे है कि काम क्रोध लोह मोह हंकार की जो सूल गंढ है वह साडे अखां दे पिछे है, सूक्ष्म त्रिकुटी दे विच है, ब्रह्म दे विच है। जब असी इसो अगे टप जाने हैं अगे इन्हां दा नामो निशान तक नहीं गा। ब्रह्म तो थले थले है जिन्ना चिकर, जे असी इत्थे असूल भोगां तो बच जावांगे तो अंदर सूक्ष्म घेर लैणगे। इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है नित करे कर्म वस धंधा। असी थोड़ा बहुत सिमरन भी करते हैं, दवाई भी खाई जाने है भी करी जाने हैं। जी मन जागत भोग रस बंधा, नित करे कर्म बस तंदा, फस मरे काल के फंदा, अब हुआ जीव अत गंदा। असी जदों भी सतगुरु तो नाम लैण वास्ते तुरदे हैं, सोचते हैं, मन भी आपदे हथियार लेके सारे मगर लग जाता है,
ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਫੰਦੇ ਹੈ, ਅਭਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਫੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੀਰਸ਼ਾ ਦਾ ਫੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਫੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਮਰੇ ਕਾਲ ਕੇ ਫੰਦਾ ਅਬ ਹੁਆ ਜੀਵੇ ਅਤ ਗੰਦਾ ਗੁਰ ਕਹਿ ਨਿਤ ਸਮਝਾਈ ਕਰ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਕਟ ਜਾਈ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲ ਨੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕੁਰੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੂਲ ਭੁਲੱਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਭੁੱਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ, ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਭੁੱਲੇ ਹੈ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਧੁਨ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ, ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੋ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਕੜਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਿਲਮੇ ਜੁਲਮੇ ਦਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਜਾਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਧੁਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਝਗੜ ਨਵੇੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਤ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਹਿ ਨਿਤ ਸਮਝਾਈ ਕਰ। ਗੁਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਘਟ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਖ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਜੀ। ਗੁਰ ਕਹਿ ਨਿਤ ਸਮਝਾਈ ਕਰ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਘਟ ਜਾਈ ਇਹ ਸੁਨੇ ਨਾ ਗੁਰ ਕੇ ਬੈਨਾ ਕਸ ਖੁਲੇ ਹੀਏ ਕੇ ਨੈਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ, ਦਿਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠੇ? ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
लेकिन उस वेले सुनते नहीं, नहीं जी बैठा नहीं जाता, भी दस जे नहीं बैठा जाता तो फिर यदि की दवाई है। जो असं कदे ये नहीं किया भी अच्छा खाना खाने वो नहीं सातों खाई दागा, जे अच्छे बिस्तरे ते नहीं पईदा, कि नाम वेले असं कहने भी सातों नहीं बैठा नहीं जाता, क्यों भाई की मुश्किल है, रोज बैठते ही है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे है, ये सुने ना गुरु के बैना कस खुले ही है कि ना। जदों गुरु दी गल सुन के खुश नहीं गा, गुरु कहंदा भजन कर, ये सुन के खुश नहीं, लखा बहाने अगे खड़े करदा, तो अंदर ली अखा किवें खुलण भाई जी। ये सुने ना गुर के बैना कस खुले ही ये के नैना, बिरला कोए जीव अधिकारी गुर बचन करे आधारी। कोई सारे नहीं ऐसे होंगे, मता दिल दे विच ख्याल होवे, जंगल विच शेर भी हुंदा है, संगत दे विच ऐसे बहुत बहादुर हुंदे है। मैं 8 दिन का प्रोग्राम बॉम्बे अहमदाबाद या बंगलौर या हैदराबाद देखा रख के, उहदे विच बहुत सारे साढ़े हिंदुस्तानी भी है और पछम के प्रेमी भी है, जदों आपका तजर्बा बीबियां भी है मर्द भी है जब दसते हैं दिल खुश हो जाता है कि मैं की तरक्की की। जिदे आते वे चुटकियां बजाते हैं कहते जी खाली आए हैं, एक पछम चो आया अंग्रेज मैनू आता जी बस मैं साल तो मैं दे दो तुसी ते मैं साल तो फिर आ जाऊँगा। मैं कह रही ये तो हुण तेरी मौज है, हुण तुसी सोच के देख सकते हो कि की हुंदा उत्थे, असी पिछला घर का कारोबार छड के आ जाने हैं, उत्थे सिमरन करन दा मौका मिलता है, ख्याल नूं टकाउण दा मौका मिलता है, घरां दा जिहड़ा असी कारोबार है वह भुले हुंदे हैं। सो इस वास्ते आप प्यार ना बिरला कोई जीव अधिकारी बिरले बिरले है, जो बचन करे आधारी, जेड़ा गुरु दे बचन नूं अमोलक समझदा है, हदीस समझदा है। हाँ बिरला कोई जीव अधिकारी गुर बचन करे आधारी, जो बचन समारे गुर के मन फंद लगावे छल के। जेड़ा गुरु दे बचना दे उत्ते अतवार करदा है चलदा है, तो मन भी आपदे सारे हथियार लैके उहदे उदाले हो जाता है। प्यारियो गुरु का बचन मनना, गुरु ते भरोसा करना तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही जगह दे विच जद परमात्मा कृपाल ने मैनू अंदर मकान दे विच बिठाया, अखां ते अतरन लगे, मेरे वो वक्त याद है, अच्छी तरह याद है, मैं रोया कि काल बड़ा जबरदस्त है, ये पढ़दा किसी का रहन नहीं दिंदा, तू ही है मेरा ख्याल रखना है। महाराज कहन लगे तू बेफिक्र रह, गले लाया कहते बेफिक्र रह, मैं खुद ही आके तेन उठा लूँगा। मेरे पास मेरा सेब जड़ा रहिंदा सीगा, उन्हूं पता है वो बड़ा उदास होया, तीसरे दिन आके खुद ही अंदरों कढ़िया सीगा। जद वो रोकण लग्या कि जी थले उची नीवी जगह है, हुण तां जिथे वो जगह बिठा के गए सीगे काफ़ी ठीक है, उन्हां दिनां च उची नीवी हुंदी सीगी, तो तुसीं ना जाओ, महाराज दी कोई सेहत ठीक नहीं सी। महाराज कहण लगे कि जिथे वो अजायब जा सकदा है कि मैं नहीं उत्थे जा सकदा, तो महाराज ने वड़दे ने मेरे सेवक ने दस्या सी, ये दोड़ा बोलिया सीगा चलो सही हो रण देखण चलीए,
जिथे आशक सूली चढ़ते ते चढ़ते चढ़ते करन कलोला मौतों मूल नहीं डरते। यह है गुरु का बचन मनना। प्यारो महाराज सावण कहते होंगे सीगे कि जिदे बूहे ते बल्द बद्धा होया है घर वाले नू सारा फिक्र है कि कद मैं धुप्पे छावें करना कद छावें इस नू धुप्पे करना है कद इनू मैं पानी पिआना है कि गुरु बेइनसाफ है उन्हू नहीं पता गा जिहड़ा बिठा के गया है उन्हू ये सब पता है। सो इस वास्ते कोई विरले विरले जीव है। मैं दिल्ली दे किसे नू नहीं जानता सीगा क्योंकि मैं अपना जीवन जिहड़ा है वह सारा जमीन के थले बैठ के गुजारा है। मेरी ज़्यादा दुनिया के विच जान पछाण नहीं सी। मैं दिल्ली भी बहुत सारे आदमियों को यही कहा भी कोई हाथ खड़ा करे जे मेरे कोई ना नू जानता सी या कोई मैनू जानता सीगा। यही मैं अमरीका च कनेडा च कोलंबिया के देशों च यूरोप के विच हर जगह जिथे मेरे गुरु ने भेजा सब तो पहली दफा पहले टूर से मेरा यही सवाल रहा भी कोई बांह खड़ी करे जिन्हें मैं देखा हो। बल्कि उस वक्त मेरी ये हालत होंगी सी कि मैं एक घंटा बाहर निकलता सीगा 8 to 9 तो बाहरों जिंदा लवाया हों। तो किस तरह पछम के लोग खिचे आए। चार्ल्स फैनमैन आया किसी प्रेमी ने पूछा वो छोटी जी दीवार सी उससे बैठा उन्हें पूछा कि तुसी क्यों आने हो। वो रेता खा के फक्का मार के रेते का चुक के कहन लगे इतों की मिट्टी प्यारी है। हुण तुसी देख लो एक शख्स अंदर बैठता जिंदा लवा के लेकिन सत समुद्रों तो पारों वो केड़ी ताकत सी। जब वो परमात्मा कृपाल खुश होया असी आप तो हुक्म की मनना सी साडा मन इन्ना सख्त हो जाता है गुरु दियां गल्लां ते इतवार नहीं करता गा। तो जदों बख्शिश करन लगे कहन लगे भी तेरे चो महक आएगी सारे बथेरे बैठे सी कोले कहन लगे लो जी कदे बंदियां चो महक आई है। महाराज नूं तां ना कम लैण दा बड़ा ढंग है। तो महाराज हस के कहन लगे भी जो सावन दरबार का हुक्म सी मैं वो दस दिता है। इसनू अमरीकन लोग जहाजा ते सैर कराउणगे। एक कहन लग्या जी कोई जीप ते तां बिठाउंदा नहीं गा वो आता भी मैं जो कहना सी तुहानू कहता है। जदों सारा कुछ पूरा होण लग्या तो फिर वो लोगों नू बड़ा मुश्किल हो गया। कुछ आदमी आए सवाल करन मैं जी कनेडा अमरीका च नहीं गया सीगा मैं इनू आदे जी तुहाडा सरूप जिहड़ा है वह कनेडा च जांदा है। मैं हस पिया मैं कहा तुसी इमीग्रेशन वाले नू कह लो मैनू की पुछदे हो भी एक ऐसा आदमी है जिहड़ा बाहर निकल जांदा है। सो प्यारे तुसी गुरु नू समझो वो दयालु परमात्मा दो ताकतां ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੀ ਸਰਸੋਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਤੇਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਖਲ ਮਿਲੇ। पूरा गुरु पक्की सरों हुंदा है तो कच्चा गुरु जिहड़ा हुंदा है उहदे विचों ना खल निकले ना तेल ना अंदर तरक्की ते ना बाहर शांति। इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे आ गल्लां नाल नहीं कोई बनदा इह तां कमाई दी चीज़ है प्यारे कमाई करन दी है। बहुत लोगों ने आके कहा कहन लगे जी अंग्रेजां तों रब डरदा है ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਆਏ ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਰਸਲ ਪ੍ਰਕਿੰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਥੋਂ ਰੱਬ ਡਰਦਾ ਹੈ
वो कहिंदा हाँ जी वेचांगे तो तुहानू जरूर इहदे विच तां कोई शक नहीं गा। तो आपे वेचण है, अज हजारों दी गिणतियां दे विच उत्थे लोक इधर नूं मूंह करके सौंदे है, क्यों बई उन्होंने मुल ले लिया। इहदे विच कोई शक नहीं कि गुरु सेवक ते विक जांदा है। जे सेवक विकदा है तो गुरु भी विक जांदा है। सो आप प्यार नाल कहिंदे आ कि भई देखो प्यारे वो भाग वाले जीव सी जिन्हां ने उस परमात्मा कृपाल दा हुक्म मन लिया। जो बचन समारे गुर के मन फंद लगावे छल के ज्यों त्यों कर जीव बुलावे काल अपने खेल खलावे। जिन्हें भी उसका मौका लगता है उवें ओह पला दिंदा है। थानू पता है कि जद वह दयालु परमात्मा कृपा संसार चो थोड़ा जो ले हुए की होया बई कि वह काल दे खेल सन। दो दिन पहला ते ए नारे लगते सी एक बनो ते नेक बनो, ते दो दिन बाद ही वो सब भुल भुला गए कि जे असी गुरु नू सचमुच हाजिर समझ दे तो प्यारे असी झगड़े कर सकते हैं। मैं संसार दे विच जाके होका दिता बई गुरु मरदा नहीं गा। जेड़े कहिंदे आ गुरु मरदा है उन्हां नू अदालत च खड़े करो बई मरन वाला गुरु क्यों करिया। महाराज जी कहिंदे हुंदे सीगे कि पावर पिछों इको ही है, एक बल्ब फ्यूज हो जाता दूसरा उहदे थां लग जाता है, प्रकाश उही है। गुरु जमण मर्द तो उपर है। कबीर सिंह गुरु करिया है देह का सतगुरु चीना नाहे, कहे कबीर लख 84 तार में फिर गोता खाए। जेड़े सिर्फ देह नूं ही गुरु बनाउंदे है वो भुलड़ है। तो देह तां अखां तो पासे हो जाएगी, ना सेवक दी रहनी है ते ना प्यारे गुरु दी रहनी है। पछताउणा पएगा। वो चीज़ फकड़ो जेड़ी संतां अंदर कम करदी है, वो शब्द है, वो नाम है। गुरु करिया है देह का सतगुरु चीना नाहे, वो सतगुरु नूं शब्द नूं उस नूं पकड़ो। जिहड़ा जमण मरण तो उपर है, गुरु नानक साहब कहिंदे आ सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवै ना जाए, वो अविनाशी पुरश ते हर जा रहा समाए। वो हर जगह है, किहड़ी जगह जिथे नहीं बई। इस वास्ते काल मगरों आपदे खेल खिलाउंदा है। कौन लड़दा है पिछों जिहदा आपदा रोजी रोटी नहीं हुंदा गा। जिसनू गुरु ने सब कुछ दिता है वह क्यों बई। वो लोगों के साडे सतगुरु जिस थान सीगे थानू पता है उन्हों का खुद का मकान हुंदा सीगा उन्हों के गुरु के डेरे विच। वो उत्थे सलाम मत्था टेक के आ गए। गुरु की जायदाद पिछे बाहरली पिछे वह लड़ते हैं जिन्हों की कमाए जिन्हों के पास रोजी रोटी नहीं गी। जिन्हों परमात्मा ने गुरु ने सब कुछ दिता वह क्यों लड़ेगा बई। क्योंकि उन्होंने सब कुछ दिता होया है। महाराज कृपाल ना लड़िया उत्थे नमस्कार करिया है, इत्थों ही पता लगता कमाई का। इत्थे बहुत सारे बंदे बैठे है जिन्हां दे पास मैं 6 महीने लुक के रहा भी मैनू ना कोई पार्टियां जिना खिंचे। उबराज नूं पता है मैनू अजे भी माफ़ नहीं करते, अजे भी पत्र भेज देंदे है भी तू अजे भी कुछ ना किसी पार्टी च वड़। वो पार्टी तो गुरु की है, जिन्हें गुरु ना पार्टी बना ली प्यारे उन्हें होर की लोड़ है। मैं कहना ना भाई मेरा रोजी रोटी तो हैगा,
मैं मेरी पैदाइश ही उत्थे हुई सी जिथे जायदाद का कोई घाटा नहीं सीगा। किसी वक्त की जायदाद वास्ते तो ता लड़गे ना जो परमात्मा ने घरे ना कुछ दिता हो। तो इस वास्ते संत प्यार ना कहंदे, मैं कहना हुंदा कि प्यारे हो जिहदे रोजी दा रोटी दा ही फिक्र है तुहानू भगती कित्थों करोगे। जो डुबंदे आप से तारे किन खेजड़ा तुहाथों अज आया तो पग मंगदा है तुहानू बास्कट कित्थों बना दूगा भई। हो साहिब जिसका नंगा भुखा होवे तिसदा नफर कित्थों रज खाए। साहब कर वत होए नफरा था आए तो अण हुंदी कित्थों पाए। कित्थों पाऊगा भाई। हाँ भाई, ज्यों त्यों कर जीव पुलावे काल अपने खेल खिलावे। गुर भगत न करनी पावे बहु पांत उपाद लगावे। काल दा मतबल दा मतबल जो है सिर्फ गुरु भगती तो दूर कराना है। गुरु भगती तो दूर कर दिता, पहला यह दूर कर दिंदा है। जिवें भी होवे कोई सत्संगी उवें गुरु भगती तो हटा दिंदा है। फिर दस भी दिंदा है कि भी तेरे च ये नुक्स है। सारा कुछ करा के दस भी दिंदा है कि भाई तेरे च ये नुक्स है, गुरु तो तेरा ठीक है। इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे है जिवें भी इहदा। हाँ जी, गुर भगत ना करनी पावे बहु पांते उपाध लगावे। कभी मित्र होए परमावे कभी बैरी बन तमकावे। कदे मित्र बन के कहेगा विषय बकारां दा की ऐब है, शराब दा की ऐब है, चलो कौन देखता है। कदे तो मित्र बन के अच्छी अच्छी गल्लां करता है, अंदर वकील दी तरह समझाता है। कदे डरावना शुरू कर दिंदा है कि देख भाई तेरे देवते गुस्से हो जाएंगे जे तू गुरु भगती करन लग गया, तो तेरा ओ समाज गुस्से हो जाएगा, तेरे घर दे गुस्से हो जाएंगे। क्योंकि जो असी भगती करन लगते हैं पहला तो साढ़े घर के नाल ही वास्ता पैंदा है। माता पिता कहिंदे है बच्चा त्यागी हो गया है, भगती तो बुढ़े करते हुंदे है, तू जवान है। फिर यार दोस्त कहिंदे है तू किहड़े पासे लग गया भाई, आही तो दिन खाण पीण दे सीगे। बुढ़ियां दी जमात है जिहड़ी बुढ़े होए लगी है, तो वो कहिंदे तू किहड़े पासे भाई, तेरे बगैर तो जिहड़ी सत्त है सुन्नी होई पई है। तो इस वास्ते आप कहन लगे कदे दोस्तां दा डर दिंदा है, कदे देवी देवतियां दा डर दिंदा है कि जेड़े पहले तू मनदा है किते रुस ना जान। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे है जिवें भी इहदा दा लगे। कदे मित्र बन के हटा लिया, कदे डरा के हटा लिया, हटाउणा गुरु भगती तो है। कभी मित्र होए परमावे कभी बैरी बन तमकावे। कभी रोगन माहे चुमावे नाना विध जाल बिछावे। मन दे जाल गिनतियों बाहर है, किन्ने किते बयान संत करन, किते इनू चुगल किया, किते धोखेबाज किया है, किते इनू कुत्ता किया, किते हरामजादा किया है, किते लकड़ मंडी दा संडा करके बयान किया है। इस वास्ते कहन लगे मन नू की दसीए। संतां ने इसकी चंगी तरह खबर ली है,
इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है कभी रोगन माहे चुमावे कदे कोई ना कोई शरीर नू रोग हुंदा है क्योंकि जदों असी कोई ना कोई तो शरीर है कितें टिलमठ भी आनी है अगर दुनिया का काम करना है तो आप कोई ना कोई गोली खा लांगे जे भजन करना है तो शायद ऊँ ही बहाना बना लिए लो जी मैं भजन तो बैठ जाता अज तो मेरा सिर दुखदा है घर का काम करना तो असं पट्टी बन लें हैं सिर साफ ही ना कसके बन लें हैं कि भजन ही यह जी चीज़ है कि जिदे पिछे असी बहानेबाजी तराश करते हैं जी कभी रोगन माहे चुमावे नाना विध जाल बिछावे शब्द रस लेन न पावे यो जीव सदा दुख पावे अंदर वड़दा नहीं नौ द्वारे खाली करके शब्द रस प्राप्त नहीं करता इस वास्ते असी दुखी हैं तड़पते हैं कदे काम उदाले हो जाता है कदे भरम हो जाता है कदे लोभ हो जाता है कोई ना कोई स्वामी जी महाराज कहिंदे है जिहड़े भजन दे चोर है ये उन्होंने मुसीबत खड़िया रहनिया जो जो चोर भजन दे प्राणी से दुख सहे आलस नींद सतावे उनको नित नित भरम गहे काम क्रोध के धक्के खावे लोभ नदी में डूब मरे जी शब्द रस लेन ना पावे यो वैरी जो जीव सदा दुख पावे गुर मेहर करें जिस जन पर सो बचे शब्द तुन सुन कर सतगुरु मेहर हमेशा ही करता है कोई ऐसा टाइम नहीं जब शब्द की धारा जड़ी है वो शुरू नहीं गई हमेशा ही शब्द की धारा जड़ी है सेवक के अंदर चलती है सवाल तो इस दा है कि उस जगह पहुँचे जिथे एक मेहर आ रही है जिथे वो दया आ रही है जी गुर मेहर करें जिस जन पर सो बचे शब्द तुन सुन कर तब गहे शब्द रस जांची फिर जले न जग की आंची जदो लोहा मैग्नेट दे दायरे च आ जाता है वो अपने नाल मिला लेंदा है असी भी जो नौ द्वारे खाली करके शब्द दे रेंज विच जाने हैं शब्द साड़ी तरफ खिंच लेंदा है ऐसा इंसान जो है वो इंसानी कमजोरियां उस दे उत्ते कोई असर नहीं कर दिया ना उदा डायरेक्शन ही अंदरों बदल जाता है जी तब गए शब्द रस जांची फिर जले ना जग की आंची सब बात लगी अब कांची गुर भगत मिली अब सांची जो भी रीति रिवाज दुनिया दा सीगा जो भी विषय बकारा नूं असी छड़ नहीं सकदे सीगे असी उच्चे समझदे सीगे कहण लगे अपने आप ही फिक्के लगन लग पे क्योंकि सच्ची भगती जदों प्राप्त हो गई है पता लग गया कि जो रस अंदर है वो बाहरले रसा नालों करोड़ां दर्जे ज़्यादा अच्छा है बाहरले जिन्ने भी विषय बकार है सारे दे विच तपश है पहला तो मिलने औखे है जे मिल जाते हैं फिर सानू खुसन का डर लग्या पिया है नहीं तो जे ना भी खुसन तो
बुरियां बीमारियां दे विच फसा के सन चले जांदियां हन। इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे है सब बात लगी अब कांची गुरु भगत, सारी जिन्नी बात है वो फिकी लगी है, क्योंकि गुरु की भगती सच्ची मिल गई है, सुता है जागदा है गुरु भगत बन गया है। मीर साहब कहंदे, तुलसी साहब कहंदे है कि गुरु का जो भगत है लोहे नू कुण नहीं लगता, सोने नू जंग नहीं लगता गा। इस तरह गुरु भगत जिहड़ा बन गया है वह नरक च नहीं जाता गा। गुरु नानक साहब कहंदे है गुरदा भगत ज्यौदा मरिया, वो ज्यौदे जी आपदे ख्याल नू पार ब्रह्म दे विच लै जांदा है। मैं दस्या सीगा कि काम क्रोध लोह मोहंकार की जो गंढ है वह अखां दे पिछे असूल है, सूक्ष्म त्रिकुटी दे विच है। जिन्ना चिकर असी रजो गुण तमो गुण तो उपर नहीं जाते गे, उन्ना चिकर असी इन्हों तो बच नहीं सकते गे, उन्ना चिकर असी गुरु भगत नहीं अखवाते गे। क्योंकि गुरु भगत पार ब्रह्म दे विच उहनूं गुरु भगत कह लो, उहनूं सच्चा साध कह लो, उहनूं पूर्ण सिख कह लो जी। सब बात लगी अब कांची गुर भगत मिली अब सांची, राधा स्वामी की लीनी शरणी सो जीव लगे पौतरनी। आपने आख आके ही दस्या कि जदों असी उस परमात्मा की शरण में जाने हैं, जो भी जाता है ना तो औरत का सवाल है, ना मर्द का, ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना सिख, ना ईसाई का, ना कोई उत्थे हिंदुस्तानी का या अमरीका का ही सवाल है। जो भी खुशकिस्मत जीव अपने ख्याल नू नौ द्वारा चो कढ़ के अखां पिछे लिया के स्थूल सूक्ष्म कारण सारे पर्दे ला के पार ब्रह्म जावड़दा है, इदों भी जद उपरों चलिया जाता है, आप प्यार ना कहंदे है वो आप तर जांदा है, अपनियां कुलां नूं तार लैंदा है, जो भी उहदे संपर्क विच आउंदा है उहनां नूं वी उतार लैंदा है। गुरमुख कोट उधारदा है दे नाम है एक कणी, वह अपने कमाए हुए नाम दे विचों जिन्हां नूं एक कणी बख्श दिंदा है प्यारिओ, वह भी काल दे फंदे चो जम्मण मरन तो बच जांदा है। सो सानूं वी चाहीदा जो कुछ स्वामी जी महाराज ने कहा है, असीं आलसी ना बणीए, जो मौका मिलिया है तंदुरुस्ती का इस तो फायदा उठाइए, बल्कि जे बीमारी है तो स्वामी जी कहंदे आ दुख दी घड़ी गुनीमत जानो, सुख में रहत सदा मन गाफल, सुख दे विच गाफल रहिंदा है। अगर थोड़ी बहुती सानू ढिल मठ है तो उदों मन जिहड़ा दा चुका है वह परमात्मा की तरफ हुंदा है, ऐसे मौके तो फायदा उठाना चाहिए है। सो ये नहीं करना कि लो जी अज तो मेरा सिर दुखदा सीगा, अज मैं बीमारी लगी हुई है, नहीं भी प्यारियो बहाना फिर कौन लाउंदा, थोड़े अंदर थोड़ा मन लाउंदा है, वह कल नूं भी थोड़े कोल ही होएगा। जिहड़ा मन तुहानूं अज नहीं भजन करन दिंदा कल नूं कोई होर तां नहीं आएगा, वह मन उत्थे ही होएगा थोड़े कोल। सो सानूं चाहीदा आपदे जीवन नूं सफल बनाइए। सब बात लगी अब कांची गुर भगत मिली अब सांची, राधा स्वामी की लीनी शरणी सो जीव लगे पौतरनी।